हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम इस वीडियो में। सो चैप्टर रीड करने से पहले ये रीड कर लेते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है बिफोर यू रीड कि हाँ इस चैप्टर में किसके बारे में हमें पढ़ना है। तो एक लड़का है निशिद, अ बॉय ऑफ 7, जो कि 7 साल का है, अल्सो कॉल्ड 7, उसे 7 भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। म्यूजिकल स्केल में जो नोट होते हैं ना, सारे गामा पाधा नीसा, तो उसकी जो 7th नोट है, 7th नोट का जो मीनिंग होता है वही मीनिंग होता है निशिद नाम का। सो निशिद को क्या बोला जाता है? 7। एंड हिज 10-year-old सिस्टर। अब देखो निशिद कितने साल का है? 7 साल का, ठीक है। और उसकी सिस्टर बड़ी है, 10-year-old है, जिसका नाम है माया। आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ, जो कि मिस्टर नाथ जो होते हैं ना, एक पर्सन है उनके सोसाइटी में रहने वाले, उनके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। कौन? माया और निशिद। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इंटू मिस्टर नाथ्स रूम। फिर एक दिन क्या होता है, बच्चों की मार्बल कंचे मिस्टर नाथ के रूम में चले जाते हैं। एंड निशिद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निशिद को चांस मिल जाता है मिस्टर नाथ को देखने का। इज ही अ क्रूक ऑन द रन। अब देखो क्रूक क्या होता है ना, क्रिमिनल, मतलब कोई क्राइम करने वाला, ठीक है, क्रिमिनल। सो उन्हें लगता है कि क्या ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है जो क्या कर रहा है, पुलिस से छिपता हुआ रन कर रहा है, इधर उधर मतलब भाग रहा है, छिप रहा है वो कहीं पे। वाई इज़ हिज फेस बैडली स्केयर्ड, और उसका जो फेस है वो इतना बैडली स्कार्ड बोलेंगे इसे, ठीक है, कि उसके फेस पर इतने ज़्यादा दाग धब्बे क्यों है। वाई हैज़ ही नो फ्रेंड, और क्यों इस पर्सन के कोई भी फ्रेंड नहीं है? वैसे तो सबके फ्रेंड्स होते हैं, है ना, मतलब लोग बड़े भी हो जाए लेकिन उनके कुछ ना कुछ, मतलब आजू बाजू के लोग तो फ्रेंड्स होते ही है, बट मिस्टर नाथ एक ऐसे पर्सन हैं जो जहाँ पर रहते हैं आजू बाजू के लोगों के साथ भी उनकी मतलब अच्छे से बनती नहीं है, कोई उनका फ्रेंड नहीं है। अब देखते हैं निशिद की मदर के बारे में। निशिद्स मदर अ डॉक्टर, निशिद की मदर डॉक्टर है, नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट, वो मिस्टर नाथ को जानती है कैसे, क्योंकि मिस्टर नाथ उनके पेशेंट है। हु इज़ वेरी पोलाइट, और निशिद की मम्मा का कहना है कि मिस्टर नाथ तो पोलाइट है, एकदम नम्र स्वभाव की व्यक्ति है। चलो अब चैप्टर में देखते हैं मिस्टर नाथ के बारे में भी, और माया निशिद के, मतलब माया निशिद कैसे डिटेक्टिव अपना दिखाते हैं, जासूसी करते हैं। चलो As we walk back towards the clinic, 7 said, he doesn't look anything like a monster, Maya. अब देखो 7 बोलता है, माया को बताता है कि जो मिस्टर नाथ है वो मॉन्स्टर मतलब दानव के जैसे तो नहीं दिखते, बट डिड यू सी हाउ थीन ही इज। लेकिन निशिद बोलता है कि क्या तुमने देखा मिस्टर नाथ कितने थीन, मतलब दुबले पतले से है। मे बी ही इज़ वेरी He is very poor and can't afford to eat. मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा poor, गरीब होंगे और खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे। He can't be poor if he is a crook on the run. I told him. अब देखो ये जो चैप्टर है ना, माया बता रही है सब कुछ चीज़ें। आए जहाँ पर भी दिखेगा ये माया के बारे में है। सो माया यहाँ पे बोलती है कि अगर ये क्रूक है, अगर ये क्रिमिनल है तो ये पुअर नहीं हो सकता। He is probably got millions of rupees stashed away somewhere in the room. Stashed का मीनिंग क्या होता है? Hidden away, ठीक है, hidden away मतलब छुपा के रखना। अब माया यहाँ पे क्या बोलते हैं? He is probably, probably का मीनिंग क्या होता है? शायद, संभवतः। उसके पास millions of rupees होंगे जो उसने hidden, है ना, कहीं पर छुपा दिए होंगे अपने रूम के अंदर। Do you really think he is a criminal, माया? फिर यहाँ पे निशिद बोलता है कि माया क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मिस्टर नाथ क्रिमिनल है? ही डजेंट लुक लाइक वन। निशिद लुक डाउटफुल, निशिद डाउटफुली देखता है माया की तरफ और बोलता है कि क्या तुम्हें सच में मिस्टर नाथ क्रिमिनल लगते हैं? मुझे तो नहीं लगते। अफकोर्स ही इज़ 1-7 आई सेड। फिर यहाँ पर माया बोलती है अफकोर्स ही इज़ 1-7, 7 मतलब निशिद को बोलती है कि हाँ मुझे तो लगता है कि ये क्रिमिनल है। And he certainly isn't starving. Certainly का मीनिंग क्या होता है? निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि ये starving मतलब भूख से तो नहीं मर रहा है। Mr. Mehta told us that Ramesh bring his meals up from the restaurant downstairs. क्योंकि Mr. Mehta ने बताया है कि Mr. Nath के लिए जो है ना खाना आता है कहाँ से? Downstairs मतलब नीचे रेस्टोरेंट है, वहाँ से रमेश Mr. Nath के लिए रोज खाना लेकर आते। सो वो starving मतलब भूख से तो नहीं मर रहे, खाना तो उन्हें मिल रहा है, ठीक हो गया। चलो अभी आगे देखते हैं।
But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? Nishit said. इस पर निशित बोलता है कि but Maya, Mr. Mehta ने तो हमें बताया कि Mr. Nath तो कोई काम नहीं करते, कहीं पे भी जाकर काम नहीं करते, तो फिर अगर वो खाना खाते हैं so उनके पास पैसे भी तो होने चाहिए, फिर खाने के पैसे देने के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in the trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels and अब देखो यहाँ पे माया क्या बोलती है, जैसे निशद बोलता है कि मुझे तो इतना पता है कि मिस्टर मेहता ने बताया कि उनके लिए खाना आता है, अगर खाना आता है तो खाने के पैसे देने के लिए उनके पास पैसे तो होने चाहिए ना. सो इस बात पर माया बोलती है एग्जैक्टली, मैं भी वही बोल रही हूँ. आई एक्सक्लेम ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मुझे तो लगता है कि इनके पास कहीं ना कहीं बहुत सारे पैसे छुपाए हुए हैं. मे बी इन द ट्रंक इन हिज रूम, ट्रंक मतलब एक हो सकता है बड़ा सा बॉक्स वगैरह जिसके अंदर उन्होंने पैसे छुपा कर रखे. इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर, और उस बक्से के अंदर क्या हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड एंड ज्वेल्स और पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें वहाँ पर हो सकती है. व्हाट रबिश, निशित इंटरप्टेड. फिर निशित, इंटरप्ट का मीनिंग क्या होता है, बीच में ही बोल देना, किसी की बात काट कर बीच में ही बोलना. सो निशित यहाँ पे बोलता है व्हाट रबिश, क्या बकवास कर रही हो. इस पर माया क्या बोलती है, आई नो आई एम राइट. माया बोलती है कि मुझे पता है मैं राइट हूँ, स्टूपिड आई टोल्ड हिम. By the way, Seven, did you see his scars? फिर माया बोलती है Seven, क्या तुमने देखा उनके scars के बारे में, उनके दाग घाव के बारे में. I couldn't, it was too dark. क्योंकि Seven ने Mr. Nath को देखा था, सो इसीलिए माया उसे पूछती है. अब यहाँ पर निशद बोलता है I couldn't, it was too dark, but I bet he got them during a shoot out with the police or something. फिर यहाँ पर निशद तो बोलता है कि नहीं, बहुत मतलब नहीं दिखे मुझे उनके घाव. और यहाँ पर फिर देखो माया क्या बोलती है कि मुझे लगता है कि जब पुलिस शूट कर रहे होंगे, मतलब किसी क्रिमिनल को पुलिस शूट करते हैं ना, सो वैसे ही जब मिस्टर नाथ को शूट कर रहे होंगे तब इन पर ये घाव लगे होंगे. ऐसा किसका कहना है, माया का. फिर देखो क्या होता है, मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली देवर बर्न स्कार्स, निशित सेड फर्मली. इस पर निशित क्या बोलता है, फर्मली मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे मजबूती से, मतलब उसको एकदम से पता है कि मम्मा ने बताया था कि मिस्टर नाथ के चेहरे के ऊपर, बॉडी के ऊपर इतने ज़्यादा जो स्कार्स है वो किसकी वजह से है, बर्न मतलब जलने के वो दाग है. लेकिन माया ने क्या बताया था कि फायरिंग की वजह से हुए होंगे. फिर यहाँ पर फिर से माया बोलती है Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. इस पर माया क्या सजेस्ट करती है कि मुझे लगता है, Perhaps मतलब हो सकता है कि पुलिस जो है उन्होंने ही उनके मिस्टर नाथ के घर को जलाया होगा, कि इस तरीके से तो भी मिस्टर नाथ घर से बाहर निकलेंगे. Seven looked unsure, लेकिन Seven कैसे देख रहा था, unsure मतलब वो श्योर नहीं था इस बात पर जो भी माया ने बोला था. ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे, अब देखो यहाँ पे मंडे की बात चल रही है, मंडे कब आया था, मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे मतलब ममा का जब बर्थडे था उसके नेक्स्ट डे जो मंडे था उस दिन की बात है. क्या हुआ था, सेवन वेंट अलोन विथ हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ अ स्कूल फ्रेंड. माया यहाँ पर बताती है कि सेवन ममा के साथ क्लिनिक गया था गिरगांव, और माया कहा थी अपने स्कूल फ्रेंड के साथ अपना मतलब दिन था वो स्पेंड कर रही थी. वेन दे रिटर्न, जब वो वापस आए, निशित टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैडन्ट बीन देयर. फिर वापस आने के बाद निशित ने बताया कि उसने आज फिर से मिस्टर नाथ को देखा, और इस बात पर तो माया अनॉयड मतलब नाराज हो जाती है, क्योंकि उस वो तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी ना, उसको तो पता लगाना ही था. पता लगाना क्या, माया को तो ये साबित करना था जानबूझ कर कि मिस्टर नाथ एक क्रिमिनल ही है. सो वो बहुत नाराज हो जाते कि उसका एक चांस चला गया. Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. But Seven जो था वो तो देखकर आया था Mr. Nath को, तो वो थोड़ा सा मतलब upset था, नाराज था उनका gaunt appearance. Gaunt क्या होता है ना, एकदम ही खराब, रूखा सूखा सा बोल सकते, बदसूरत सा उनका appearance देखकर. And was sure that he was starving, और उसको मतलब श्योर हो गया था कि मिस्टर नाथ स्टार्विंग मतलब भूख से मर रहे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले थे.
He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, open the door quickly, Mr. Nath. यहाँ पर माया बताती है कि निषद ने मुझे बताया कि वो उस इवनिंग मिस्टर नाथ के घर गया था और लाउडली, ठीक है, बहुत ज़ोर से उनके दरवाजे को उसने नॉक किया, मतलब खटखटाया और बोला, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ. फिर क्या होता है, देखो, द मैन हैड ओपन्ड इट एंड आस्क हिम लॉस्ट अनादर मार्बल. फिर जो मिस्टर नाथ अंदर होते हैं वो डोर ओपन करते हैं और पूछते हैं कि क्या आज फिर से आपकी मार्बल खो गई. ही हैड ऑब्वियसली रिकग्नाइज्ड माई ब्रदर. यहाँ पर माया बताती कि उन्होंने ज़रूर मेरे भाई को पहचान लिया होगा. नो सेट निषद. इस पर निषद बोलता है कि नहीं, ही हैड टेकन द मैंस हैंड इन हिज ओन. निषद ने उस मिस्टर नाथ का जो हाथ था वो अपने हाथ में पकड़ लिया एंड थ्रस्ट का मीनिंग क्या होता है, जोर जबरदस्ती से, ठीक है, एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट. और उनके हाथ में जबरदस्ती से चॉकलेट रख दी, क्योंकि निषद को मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, उसको लग रहा था कि मिस्टर नाथ जो है वो भूखे मर रहे हैं. डिड यू गेट ए चांस टू पिक इन टू द ट्रंक सेवन आई आस्क. इस पर माया पूछती है कि क्या तुम्हें चांस मिला उनके ट्रंक मतलब हम बोल सकते हैं ना बड़ा सा अगर बॉक्स है या फिर मतलब इसके अंदर कुछ चीज़ें रखी जा सकती हो, ठीक है, सो इसे बोलेंगे ट्रंक. तो क्या तुम्हें चांस मिला उनके ट्रंक में पिक मतलब झांक कर देखने का. निषद लुक डिसअपॉइंटेड. इस बात पर निषद डिसअपॉइंटेडली दिखता है माया की तरफ. He didn't even ask me in, he said. इस पर निषद क्या बोलता है कि उन्होंने तो मुझे अंदर बुलाया ही नहीं. Then he smiled, और फिर वो हंसता है, निषद हंसता है. But I did find out something, माया, और बताता है कि माया, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ तो वहाँ से find कर ही लिया. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. फिर मैं मिस्टर नाथ को मिलने के बाद रमेश के पास गया जो कि उन्हें मिल देता है, खाना देता है, ठीक है. ये कौन बता रहा है, निषद बता रहा है. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक. आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली. अब देखो माया को बड़ा मजा आया क्योंकि निषद ने क्या किया था, रमेश के पास गया था जो क्या करता है, मिस्टर नाथ को खाना ला कर देता है. इस बात पर माया क्या करती है, अपने ब्रदर सेवन की पिट थपथपाती है. पैटिंग हिम ऑन द बैक मतलब पिट थपथपाना, और पूछती है मुझे लगता है, अच्छा, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, और बोलती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुमने अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे. सेवन लुक प्लीज मतलब खुशी से. सेवन एकदम प्रसन्नता से देखता है. रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स टू मिल्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग. अब देखो यहाँ पर निषद बताता है कि रमेश ने मुझे बताया कि वो मिस्टर नाथ के लिए हर सुबह और शाम क्या करता है, मिल खाना लेकर जाता है एंड टू कप ऑफ टी, और दो कप टी मिस्टर नाथ को लगती है, वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून. एक सुबह लगती है और एक दोपहर को लगती है. रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स. रमेश ने ये भी बताया कि मिस्टर नाथ का ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे आज ये खाना है, मुझे आज वो खाना है, ऐसा कुछ नहीं है. जो भी बनता है वो मिस्टर नाथ खा जाते हैं. मतलब कभी बोलते नहीं कि मुझे ये पसंद नहीं है या फिर आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहते. इट्स ऑलवेज द सेम फूड मतलब रोज़ वो सेम फूड ही खाते हैं. दो चपाती खाते हैं, सम दाल एंड वेजिटेबल, बस हो गया उनका. मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स विल. और रमेश ने ये भी बताया कि मिस्टर नाथ जिस टाइम उनको खाना मिलता है उसी टाइम वो कैश पे करते, पैसे देते हैं, और जो वेटर लोगों को टिप दी जाती है ना, तो वो टिप भी बहुत अच्छी खासी टिप देते हैं. कौन, मिस्टर नाथ. इसका मतलब क्या कि उनके पास पैसे होते हैं तभी तो वो टाइम पर बिल पे करते हैं और अच्छी खासी टिप भी देते हैं रमेश को. रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया. इस पर निषद सेवन एडेड. सेवन मतलब निषद ही है, ठीक है. सो इस पर सेवन क्या बोलता है माया को कि रमेश ने मुझे और भी बताया है एक स्ट्रेंज बात. ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज टू लंचेस टू मिस्टर नाथ रूम एंड द सेम मैन इज विथ हिम ईच टाइम. रमेश ने बताया कि संडे को, हर एक संडे को वो क्या करता है, मिस्टर नाथ के रूम में दो लंच लेकर जाता है. ऐसा क्यों करता है, तो उनके कमरे में एक पर्सन आता है और हमेशा वही पर्सन आता है, कभी वो चेंज नहीं होता. ही इज़ टॉल, वो दिखने में टॉल है, फेयर, गोरा है, स्टाउट, एकदम मतलब हट्टा कट्टा तगड़ा आदमी है.
एंड वियर स्पेक्टाकल और चश्मे पहनता है. रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट. रमेश ने बताया कि उनका जो विजिटर है वो बहुत बातें करता है. अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक, मतलब मिस्टर नाथ के जैसा नहीं है. मिस्टर नाथ तो कभी कभार ही बोलते या फिर बोलते भी नहीं है, लेकिन जो विजिटर है ना वो बिल्कुल अपोजिट है, वो बहुत ज़्यादा बातें करते. ये सब किसने बताया? रमेश ने निशित को. वेल डिन निशित आई टोल्ड हिम, तो मैंने यहाँ पर माया बोलते मैंने निशित को बोला वेल डिन. Now that we have made some progress with our inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. इस पर माया बोलती है कि अब हमें प्रोग्रेस करना चाहिए अपनी इंक्वायरी में, और भी ज़्यादा इंक्वायरी मतलब जांच पड़ताल करनी चाहिए मिस्टर नाथ के बारे में, जैसे कि एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स करते ना बिल्कुल उसी टाइप से, क्योंकि हमें भी तो इस क्रूक को पकड़ना है. How you do go on Maya? Seven साइड. इस पर सेवन बोलता है कि माया तुम ऐसे कैसे कह सकती हो. How can you possibly imagine he is a crook? तुम ऐसे कैसे इमेजिन कर सकती हो कि मिस्टर नाथ क्रूक है, क्रिमिनल है. He looks so ordinary. वो तो कितने ऑर्डिनरी नॉर्मल पर्सन लगते हैं. क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी आई रिटॉर्डेड. तो इस पर माया क्या बोलती है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं ना वो ऐसे ही ऑर्डिनरी दिखते हैं. डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे? क्या तुमने कल के पेपर में जो हैदराबादी हाउस ब्रेकर की फोटो आई थी वो नहीं देखी? वो भी तो बिल्कुल ऑर्डिनरी लगता है, मतलब उनको देख कर तो कोई भी नहीं, उसे देख कर तो कोई नहीं बोलेगा कि ये क्या है, हाउस ब्रेकर है. तो ऐसे ऑर्डिनरी दिखते क्रिमिनल, ऐसा माया का कहना है. ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट. निशित लुक डाउटफुल. माया ने बताया वो तो मतलब किसी भी पर्सन की तरह दिख रहा था, एकदम नॉर्मल दिख रहा था. इस बात पर भी निशित डाउटफुली देखता है माया को. द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे. डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट विथ ऑल देयर फ्यूरी फ्लडिंग स्ट्रीट विथ अ हेवी डाउनपोर. अच्छा, तो यहाँ पर क्या बताया कि नेक्स्ट डे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत बिजली वगैरह मतलब रोरिंग रोर्स बोला है यहाँ पे, गरज बहुत ज़्यादा गरजते हैं बादल वगैरह, और थंडरस्टॉर्म वगैरह होता है वहाँ पे. तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्लडिंग मतलब बाढ़ आ जाती है रास्तों पर, बहुत ही मूसलधार बारिश होती है. डाउनपोर का मीनिंग क्या होता है, मूसलधार बारिश. स्कूल वॉज टू हैव री ओपन आफ्टर दी समर हॉलीडेज बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे. फ्लड की वजह से तो मतलब कोई किधर भी नहीं जा सकता था, और इसी की वजह से स्कूल को अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज मिल गए थे, मतलब छुट्टियाँ मिल गई थी फ्लड की वजह से. आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली. आई सैट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी. माया सोचते कि मुझे अपनी इन छुट्टियों को अच्छे से स्पेंड करना है, कुछ अच्छा काम करना है. वो अपने बेडरूम में एक डेस्क पर बैठती है और एक शीट ऑफ पेपर उसके सामने होता है. अब यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन चेक क्वेश्चन है और यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है. सो ये सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.